गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर क्लास वी वर स्टडिंग अबाउट द एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स एंड इन दैट कैटेगरी वी हैव स्टडीड फेनिलजीन. नाउ टुडे वी विल स्टडी अबाउट सेकेंड एंटी डिप्रेसेंट ड्रग दैट इज एमीट्रिप्टिलीन. एमीट्रिप्टिलीन इज अ डेरिवेटिव ऑफ डाई बेंसाइक्लोहेप्टीन इन विच टू बेंजीन रिंग्स आर फ्यूज विद अ सेवन मेंबर्ड अनसेचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक रिंग दैट इज साइक्लोहेप्टीन. तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो बेंजीन रिंग फ्यूज होती है. किससे फ्यूज होती है? ये बीच में आपका सेवन मेंबर्ड रिंग होती है. ये अनसेचुरेटेड होती है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता है. आप देख सकते हैं ये दो बेंजीन रिंग है, इसके बीच में एक सेवन मेंबर्ड अनसेचुरेटेड कार्बोसाइक्लिक एक रिंग होती है इनके बीच में. इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेप्टीन. अब इसमें हम लोग देखते हैं ये इसका स्ट्रक्चर होता है और ये ऑफिशियल किस रूप में होगा. इट इज ऑफिशियल एज द एम्बोनेट एंड द हाइड्रोक्लोराइड. इसका मतलब हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट, अगर इसका सॉल्ट होगा वो कहलाएगा एमीट्रिप्टिलीन हाइड्रोक्लोराइड. ये इसका ऑफिशियल सॉल्ट होता है. तो ये एमीट्रिप्टिलीन हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट की कैटेगरी में आता है. इट इज़ अ ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट प्राइमरली यूज टू ट्रीट मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD. मतलब जो बहुत मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स होते हैं वो इससे हम उसको ट्रीट करते हैं. एंड वेराइटी ऑफ पेन सिंड्रोम्स, और बहुत से पेन सिंड्रोम्स होते हैं जिसमें दर्द होता है, उनको भी हम लोग इससे ट्रीट करते हैं. फ्रॉम न्यूरोपैथिक पेन, न्यूरोपैथिक पेन होता है जो हमारा नर्व से रिलेटेड पेन होता है, न्यूरोपैथिक पेन, टू फाइब्रोमाइल्जिया. फाइब्रोमाइल्जिया हम लोग उस कंडीशन कहते हैं जैसे कि मसल्स और जॉइंट्स में जो पेन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फाइब्रोमाइल्जिया. उसको भी ट्रीट करते हैं. टू माइग्रेन, माइग्रेन होता है जब हमें हेडेक्स होते हैं, कई बार रिपीट होता है हेडेक, छोटे छोटे इंटरवल में हेडेक आता रहता है, सरदर्द होता है, उसको माइग्रेन बोलते हैं. एंड टेंशन हेडेक्स, और जो टेंशन के कारण जो हेडेक्स आ जाते हैं उसको भी हम लोग एमीट्रिप्टिलीन हाइड्रोक्लोराइड ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. ड्यू टू फ्रीक्वेंसी एंड प्रोमिनेंस ऑफ साइड इफेक्ट्स, बहुत ज़्यादा इसकी साइड इफेक्ट्स होते हैं. तो एमीट्रिप्टिलीन जनरली कंसिडर्ड अ सेकेंड लाइन थेरेपी फॉर द इंडिकेशंस. अब आप ये कहेंगे सेकेंड लाइन थेरेपी क्या होती है? सेकेंड लाइन थेरेपी हम उसको बोलते हैं कि जैसे आपको कोई प्रॉब्लम हुई, आपको कोई माइग्रेन हो रहा है, तो हम शुरुआत में ही एमीट्रिप्टिलीन नहीं देंगे, पहले उसके लिए कोई दूसरी ड्रग देंगे. जब उससे भी कंट्रोल नहीं होगा तब फिर हम लोग एमीट्रिप्टिलीन का प्रयोग करेंगे. इसीलिए हम इसको बोलते हैं कंसिडर्ड अ सेकेंड लाइन थेरेपी फॉर द इंडिकेशन. अगर आप स्ट्रक्चर एमीट्रिप्टिलीन का नोट करना चाहें तो ये हमने ड्रॉ कर दिया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा एमीट्रिप्टिलीन का स्ट्रक्चर. Now come to the physical properties. Some of the important physical properties of amitriptyline are as follows. Amitriptyline hydrochloride consists of colorless. ये colorless crystals होते हैं और इज अ white, या तो white कलर का होगा, almost white powder होता है, which has no odor. इसका कोई odor, कोई गंध नहीं होती है, white powder होता है. इसका melting point 195 degree centigrade से लेके 199 degree centigrade के बीच में होगा. It smells between 195 degree C and 199 degree C. It is freely soluble in water. Water और ethanol में freely soluble होगा, chloroform में, methanol में. तो ये वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म और मीथेनॉल में फ्रीली सॉल्युबल होगा और इनसॉल्युबल होगा ईथर में, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होगा. बायो अवेलेबिलिटी इसकी 45-53% के बीच में होगी और इसकी प्रोटीन बाइंडिंग एफिशिएंसी जो होगी वो 96% होगी. मेटाबॉलिज्म इसका होता है लीवर में और इसका एलिमिनेशन हाफ लाइफ होगा 21 आवर्स. हम आपको एलिमिनेशन हाफ लाइफ, बायो अवेलेबिलिटी और ये सब पहले भी बता चुके हैं क्या होता है ये. Now, amitriptyline was discovered in the late 1950s. इसका जो डिस्कवरी हुई थी amitriptyline की वो late 1950s में हुई थी by साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों के द्वारा, मर्क फार्मास्यूटिकल्स में. मर्क एक होती है और कंपनी होती है, उसके साइंटिस्ट ने amitriptyline को डिस्कवर किया था लेट 1950s एंड अप्रूव्ड बाय द US, और ये US फूड और ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ये अप्रूव्ड है. इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FDA. इन 1961 में ये अप्रूव हुआ. इट इज़ अवेलेबल एज जेनरिक मेडिकेशन. ये जेनरिक मेडिकेशन के रूप में अवेलेबल है. इन 2018 इट वॉज द 79th मोस्ट कॉमनली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स विद मोर देन 10 मिलियन प्रेस्क्रिप्शंस. नाउ दिस वॉज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीट्रिप्टिलीन. नाउ कम टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीट्रिप्टिलीन. सो एमीट्रिप्टिलीन इज हाईली लिपोफिलिक मॉलिक्यूल. लिपोफिलिक मतलब होता है जो लिपिड लविंग होते हैं. लिपिड लविंग मॉलिक्यूल को हम लोग बोलते हैं लिपोफिलिक मॉलिक्यूल. हैविंग एन ऑक्टोनल वाटर पार्शियल पार्टीशन कोफिशियंट इसका होता है और इसका pH 7.4 होगा ऑफ 3, वाइल द लॉग पी ऑफ द फ्री बेस रिपोर्टेड एज 4.92. अब इसकी प्रिपरेशन देख लेते हैं शॉर्ट में, कैसे आखिर आप इसे बना सकते हैं.
तो आप इसको देखिए, इट इज प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग, इट इज प्रिपेयर बाय रिएक्टिंग बेंजो सुबेरोन, एक कंपाउंड होता है, आप ये देखिए बेंजो सुबेरोन होता है, ये दो बेंजीन रिंग और साइक्लोहेक्टेन बीच में होता है और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन सेट है, इसको बेंजो सुबेरोन बोलते हैं, विथ ये देखिए ये होता है 3-dimethylamino प्रोपाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये 3-dimethylamino होता है, तो इससे इसके रिएक्शन कर देते हैं तो पहले हमको एक इंटरमीडिएट मिलेगा, ये इंटरमीडिएट अनस्टेबल होता है और ये HCl के साथ हीट करने पे हमको ये दे देगा आपका एमीट्रिप्टिलीन, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएट हमारा इस तरह का बनेगा, फिर जो इंटरमीडिएट हमारा बनेगा उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हीट कर देंगे तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, H2O यहाँ से माइनस हो जाएगा और हमको मिल जाएगा क्या आपका एमीट्रिप्टिलीन। आप इसकी रिएक्शन देख लीजिएगा और इसका स्ट्रक्चर भी हमने ड्रॉ कर दिया है रिएक्शन के साथ। Now, if twin hydrone in methanol solution is added to an aqueous solution of the substance, अगर हम twin amitriptyline hydrochloride का aqueous solution ले लें और उसमें twin hydrone एक compound होता है, उसको methanol solution के साथ इसमें add कर दें तो हमें कोई भी red color इसमें नहीं दिखेगा, 15 मिनट तक कोई भी red color नहीं रहेगा, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक केमिकल प्रॉपर्टी होती है। दिस इज अ डिस्टिंक्शन फ्रॉम नॉन ट्रिप्टिलीन, तो एमीट्रिप्टिलीन को नॉन ट्रिप्टिलीन से अगर आपको डिस्टिंग्विश करना है तो हम ये वाला रिएक्शन कर सकते हैं विच गिव्स, क्योंकि अगर आप नॉन ट्रिप्टिलीन में अगर ये क्विन हाइड्रोन मिथेनॉल सोल्यूशन के साथ डालेंगे तो नॉन ट्रिप्टिलीन रेड कलर देता है लेकिन एमीट्रिप्टिलीन रेड कलर नहीं देगा, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी और स्टोरेज देख लेते हैं, स्टोर इन वेल क्लोज कंटेनर्स में इसको स्टोर करना चाहिए। नाउ कमिंग टू सम ऑफ द इंपॉर्टेंट मेडिसिनल यूजेज एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस, दिस क्लास ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स इज बिलीव टू एक्ट बाय इनहिबिटिंग द री अपटेक ऑफ बायोजेनिक अमीन्स। तो हमने पहले बताया जो बायोजेनिक अमीन्स हमारे ब्रेन में होता है उसका री अपटेक क्या होता है, इनहिबिट हो जाता है, सच एज नॉर एड्रीनलिन एंड 5-HT, दे हैव यूजली पोटेंट एंटी कोलर्जेनिक एक्शन ऑल्सो। तो इनके पास ये एक्शन तो होता ही है, उनके पास एंटी कोलिनर्जिक एक्शन भी होता है, ये क्या होता है, ये इनहिबिट एक्टिविटी ऑफ स्टाइल कोलिन एक होता है, उसको उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है विद इन पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम। इट इज ऑल्सो यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिप्रेशन एंड नॉक्टर्नल एनीयूरेसिस। कुछ बच्चों में जो बच्चे होते हैं 6 से 10 साल के बीच में, उनमें जो बेड वेटिंग एट नाइट होता है उसमें भी ट्रीट कर सकते हैं, एमीट्रिप्टिलीन दे सकते हैं मेंटल डिप्रेशन के साथ साथ। एमीट्रिप्टिलीन इज रेयरली यूज्ड एज फर्स्ट लाइन एंटी डिप्रेशन ड्यू टू इट्स हायर टॉक्सिसिटी इन ओवरडोज। ये हम पहले बता सकें कि इसको फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में नहीं देते होता है क्योंकि ये हाईली टॉक्सिक हो जाता है ओवरडोज एंड जनरली पुअर टॉलरेबिलिटी, और इसकी टॉलरेबिलिटी भी पुअर होती है। इट कैन बी ट्राइड फॉर डिप्रेशन एज अ सेकेंड लाइन थेरेपी, इसीलिए हम लोग इसको डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में देते हैं, सेकेंड लाइन थेरेपी देते हैं आफ्टर द फेलियर ऑफ अदर, जब सारे ट्रीटमेंट और जो ड्रग से फेल हो जाते हैं तब हम लोग एमीट्रिप्टिलीन का प्रयोग करते हैं। इट इज समटाइम्स यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेशन इन पार्किंसंस, एक डिजीज होता है जेनेटिक्स में आपने पढ़ा होगा पार्किंसंस डिजीज, तो उसमें भी कभी कभी हम लोग एमीट्रिप्टिलीन को दे सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इट एलिविएट्स पेनफुल डायबिटिक न्यूरोपैथी, जब डायबिटिक में जो न्यूरोपैथी होती है पेन होता है उससे भी हम लोग रिलीफ, उसको रिलीफ देने के लिए पेन को रिमूव करने के लिए हम एमीट्रिप्टिलीन दे सकते हैं। इट इज प्रोबेबली इफेक्टिव फॉर द प्रिवेंशन ऑफ पीरियोडिक माइग्रेन, हमने बताया पीरियोडिक माइग्रेन जो रिकरेंट हेडेक्स होता है उसमें भी हम एमीट्रिप्टिलीन दे सकते हैं। इट इज इफेक्टिव फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम, जिसका मतलब इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम होता है जो नहीं बनता उसमें भी हम लोग दे सकते हैं। इट मे इम्प्रूव पेन एंड अर्जेंसी इंटेंसिटी एसोसिएटेड विद ब्लैडर पेन सिंड्रोम, ब्लैडर पेन सिंड्रोम में भी हम एमीट्रिप्टिलीन का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ऑफ एमीट्रिप्टिलीन। एमीट्रिप्टिलीन शुड बी यूज्ड विद कॉशन इन पेशेंट विद, ऐसे पेशेंट जिनको एपिलेप्सी है या इम्पेयर्ड लीवर फंक्शन, उनका लीवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, फियोक्रोमोसाइटोमा है या यूनरी कोई रिटेंशन है, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है या हाइपरथायरॉइडिज्म है या पाइलोरिक स्टेनोसिस है, उन पेशेंट में हम एमीट्रिप्टिलीन का प्रयोग करने से बचते हैं, ठीक है। इट में एग्रीवेट साइकोसिस इफ यूज फॉर डिप्रेशन, क्या करेगा अगर आप इसको करते हैं ये साइकोसिस को और बढ़ा देगा, अगर आप ऐसे पेशेंट्स में को एमीट्रिप्टिलीन देंगे तो कम करने की बजाय साइकोसिस कम करने के बजाय ये और बढ़ा देगा, विद सिजोफ्रीनिया आ जाएगा या और प्रेसिपिटेट द स्विच टू मैनिया इन दोज विद बाइपोलर डिसऑर्डर, तो ऐसे पेशेंट में हम इसको नहीं देते हैं। इन केस ऑफ ओवरडोज, अगर इसकी ओवरडोज हो जाए तो हमको क्या करना चाहिए, उस कंडीशन में हमको एक्टिवेटेड चारकोल दे देना चाहिए, एक्टिवेटेड
एक्टिवेटेड चारकोल में रिड्यूस एब्जॉर्प्शन। तो एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, अगर ओवरडोज हो जाती है जो एक्स्ट्रा इमिट्रिप्लिन होता है इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल की एब्जॉर्बिंग और एड्जॉर्बिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। इफ गिवन विद इन अगर एक से दो घंटे के बीच में आप इसको दे देते हैं पेशेंट को ऑफ इंजेक्शन। इफ द एफेक्टेड पर्सन इज अनकॉशियस और हैज एन इम्पेयर्ड गैग रिफ्लेक्स अ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब में बी यूज टू डिलीवर द एक्टिवेटेड चारकोल इन द स्टमक। अगर मान लीजिए कोई ऐसा आदमी है जो अनकॉन्शियस है, बेहोश है, उसको कोई होश नहीं है और उसका इम्पेयर्ड गैग रिफ्लेक्स है, तो हम एक नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब लगा के एक्टिवेटेड चारकोल डायरेक्ट उसके स्टमक में हम भेज सकते हैं। द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स इसके अगर देखें साइड इफेक्ट्स हो तो ड्राई माउथ होता है, ड्राउजीनेस यानी स्लीपीनेस सुस्ती होती है, डिजीनेस कन्फ्यूजन होता है, थॉटफुल ये होता है, या कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज होगा एंड वेट गेन हो जाता है। ये कुछ इसके साइड इफेक्ट्स हैं। ग्लॉकोमा हो सकता है, लीवर टॉक्सिसिटी, हार्ट एरिथमियाज हो सकते हैं, आर रेयर बट सीरियस साइड इफेक्ट्स। अब इसका देखते हैं को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एमिट्रिप्टिलिन एंड डाइसल्फिरम इज नॉट रिकमेंडेड। हमको इसका अगर हम इसकी इनकॉम्पैटिबिलिटी देखें तो इसको ये जो एमिट्रिप्टिलिन होता है इसको डाइसल्फिरम के साथ नहीं दे सकते क्योंकि पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें टॉक्सिक डिलीरियम एक बन जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस बन जाता है, इसीलिए हम इसको डाइसल्फिरम के साथ नहीं दे सकते। कुछ इसके ब्रांड नेम्स जो अवेलेबल हैं वो हैं एमिलीन, क्वेटल, ट्रिप्टेनॉल, सेरोटेक्स एट्सेट्रा। दैट्स ऑल।